गाइस, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। तो आपको फर्स्ट सेकंड ब्लॉग्स कैसे लगे? मेरा फर्स्ट ब्लॉग था यमुनानगर टू वैष्णो देवी एंड सेकंड था यमुनानगर टू पोंटा साहिब। एंड ये थर्ड ब्लॉग है, इसका आपको आइडिया हो गया होगा मेरा टाइटल देख करके, ब्यूटीफुल सिटी यमुनानगर। तो आज का ब्लॉग रहेगा, आज हम कहीं मतलब आउटर में नहीं जा रहे, आज हम अपने यमुनानगर जो मेरा होम टाउन है जहाँ मैं बेसिकली रहता हूँ उसी के ऊपर ही ब्लॉग शूट करूँगा। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि हमारे जो सिटी है, बहुत छोटा सिटी है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा सिटी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल है। तो मेरा मन था कि उसके ऊपर एक व्लॉग आ जाए, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों बढ़िया है, क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो वो थोड़ा दिखा दे कि इसमें क्या क्या मतलब खाने के लिए क्या बेस्ट है एंड घूमने के लिए क्या बेस्ट प्लेसेज हैं यहाँ पर। तो यमुनानगर के लोग अपनी लाइफ को कैसे इन्जॉय करते हैं, तो वो उसके ऊपर व्लॉग रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा, थोड़ा हम घूमेंगे, थोड़ा शूट करेंगे आज। एंड आज का जो शूट रहेगा वो मैं इवनिंग में करूँगा, मतलब शाम को ज़्यादा बढ़िया लगता है। कोई भी अगर सिटी हो उसकी ब्यूटी आपको रात को ही दिखेगी, क्योंकि दिन में तो हर एक सिटी सेम लगती है, कहीं भी चले जाओ आप ऑल ओवर इंडिया। तो यमुनानगर का जो फूड भी है वो भी मतलब ऐसा फूड आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा, जो मेरे को पर्सनली बेस्ट लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैवल करा है। तो आज का हम काफ़ी अच्छा शूट रहेगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। जो यमुनानगर के लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो कि उनको क्या क्या मतलब स्ट्रीट फूड से लेकर के क्या बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं यमुनानगर में। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें एंड व्लॉग को जितना शॉर्ट रख सकूं उतना शॉर्ट रखूंगा। तो आप पूरा व्लॉग देखना एंड मिलते हैं। ओके गाइस, तो गाइस अभी हम हैं यमुनानगर चिट्टा मंदिर में, बहुत फेमस मंदिर है यमुनानगर में। आज है हनुमान महोत्सव, हनुमान जन्म उत्सव, हनुमान जन्म उत्सव है जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। जय हो, जय बजरंग बली हनुमान। आज है हनुमान जन्म महोत्सव। छोटी छोटी गौ है चिट्टा मंदिर में, यमुनानगर में गौशाला है, काफी सारी गौ है यहाँ पर छोटे छोटे, ये देख करके खाने। सिटी मॉल को खुले यार, एक साल हो गया।
एक साल हो गया अभी इसमें। काफ़ी अच्छा आउटलेट्स हैं। कौन कौन से आउटलेट्स हैं एक बार देखियो। पार्किंग एरिया है, दो फ्लोर्स। ग्राउंड फ्लोर पर पायरेट्स ऑफ ग्रिल, मैक्स, KFC है। फर्स्ट फ्लोर पर है नवेदम, सेकंड पर है PVR एंड थर्ड पर है रोमियो लेन। आज तीनों देख करके आते हैं ये। ओके, मैं आपको पायरेट्स ऑफ ग्रिल दिखाता हूँ। यह है पायरेट्स ऑफ ग्रिल, ये बफे सिस्टम है। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। नवेदम बोला ना वहाँ पर, चलो स्विमिंग पूल भी आपको स्विमिंग पूल दिखाएंगे। हाँ बहुत स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इतने बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल मतलब एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल PVR अभी हमें सेकंड फ्लोर पर, यहाँ पर है नैवेद्यम की ओपनिंग हो रही है, तो मैं दिखाता हूँ आप कह रहे हैं ऊपर सबसे इसके टॉप फ्लोर पर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ बोला आई लव PVR। PVR तो हम हुआ है। इससे ऊपर है फोर्थ फ्लोर है। या गाइस, तो अभी हम हैं यहाँ पर मैक्स में सिटी मॉल, मैं आपको दिखा। कहीं और चलते हैं। तो गाइस अभी हमने सिटी मॉल में होकर के आए हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो इसमें मैं आपको इसका डिटेल में एक बाद में निकालेंगे, जिसमें मतलब काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। नैवेद्यम ओपन हो रखा है, जैसे कि पायरेट्स ऑफ ग्रिल है। ये सभी रेस्टोरेंट्स में काफ़ी टाइम टेकिंग रहेंगे, तो इसका निकालेंगे। बाकी मॉल काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर घूमने फिरने, शॉपिंग के लिए, खाने पीने भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, लाइटनिंग, मस्त मॉल बनाया कुछ भी को। अभी बज रहे हैं 10 बज चुके हैं, एंड सारा टाउन जो है ना वो बंद हो चुका है। तो इसके ऊपर आई थिंक अभी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी लाइट्स क्लोज हो चुकी है और हम थोड़े से लेट है। तो इसके लिए हमारे को वीडियो के लिए दोबारा आना पड़ेगा कल, क्योंकि अभी ये है यहाँ पर मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्ट्रीट फूड अगर किसी को मोमोज खाने हैं, अभी हम जा रहे हैं मोमोज ही खाने जा रहे हैं। वैसे तो आटे के मोमोज खाने हैं मिश्रे, पनीर के मोमोज खाएंगे। क्या नाम है? या गाइस, सो अभी हम आए हैं मोमोज खाने। अभी तक आपने स्टीम्ड मोमोज खाएंगे, आटा मोमोज तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, अभी दिखाते हैं गाइस, आराम से खाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहले खाया तो नहीं आगे मोमोज? एक बार आया था, बहुत टेस्टी मोमोज था, बढ़िया लगे थे। किसके साथ आया था? गर्लफ्रेंड के साथ आया था। कितनी गर्लफ्रेंड है भाई तेरी? मेरी है यार, दिन के बताता हूँ। कैफे छोटा सा है लेकिन भाई मोमोज मस्त है। अभी आ रहे हैं, वेट करते हो थोड़ा सा। आटे वाले पनीर मोमोज भाई, इसमें पनीर की क्वांटिटी देखो आप, चेक करो। जैसे ये पीस अभी मैंने तोड़ा, तो इसके अंदर पनीर की उन्होंने भुर्जी की फिलिंग रहती है पूरी। एंड ये जो है ना मैदे का नहीं है, मतलब ये नुकसान नहीं देगा। क्या लगे मिश्रे? मज़ा आ रहा है गाइस, यहीं पे आना सब लोग। बहुत टेस्टी मोमोज यार, मस्त है मोमोज, मस्त भाई। इसका नाम है केक हाउस कैफे, मॉडल टाउन में है, मस्त मातम गाइस। तो ये है ब्रेकिंग बैड, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर बार भी है, तो आप यहाँ पर भी खाना पीना काफ़ी मस्त है। ये हमारे हरियाणा रोडवेज, पार्क में के बाहर नेहरू पार्क में, वो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क है, वर्ल्ड टाउन में है। काफ़ी सही लोकेशन पर है ये पार्क। अंदर से दिखाता हूँ बाहर बाइक की, आप बाइकों की चहल पहल गाड़ियाँ देख के अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहेगा। एंट्रेंस पर ही जिम है यहाँ पर, जिम वगैरह कर सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से लगा रखी है।
पार्क तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है, बस क्राउडी एरिया है यहाँ पर। सनलाइट कैसा लगा पार्क का? आपका पार्क काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्राउड ज़्यादा है तो यहाँ यमुनानगर है, थोड़ा कोई ऐसे वीडियोस वगैरह कम ही शूट करते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ के लोगों को यूट्यूबर वगैरह नहीं बनना, इनको है कि बस एंजॉय करो, थोड़ी बहुत रील्स बनाओ। तो यहाँ बिजनेस मैन है यहाँ पर ज़्यादातर लोग। पार्क का व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ से सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, फुल ऑन ग्रीनरी है, ग्रीनरी बहुत मस्त है यहाँ पर, वेल मेंटेन्ड पार्क है। यहाँ पर बहुत लॉकडाउन के टाइम पर आता था, अभी तो कभी कभी चक्कर लगता है। लॉकडाउन के टाइम पर तो यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता था, कि मॉर्निंग में कुछ करने को रहता नहीं था, सभी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने एंड सारे लोग घर आ रहे थे अपने वापस। अभी तो कोई कहीं है कहीं है, सारा यूथ पार्क चले गए यहाँ पर। बाकी ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं यहाँ पर, मधु पार्क, ये पार्क, वो पार्क, ये तो एक ही छोटा सा पार्क है, सिटी सेंटर इससे ही बड़ा है, वहाँ पर लेक भी है। तो ये छोटा सा वीडियो ही शूट कर रहे हैं, बाकी अगर बड़ा करेंगे तो वो पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, इसका हो सकता है पार्ट टू भी निकालना पड़े। और शादी वगैरह में अगर किसी लगवा दो लगा देंगे, उसके क्या रहता है पीस के हिसाब से हो जाएगा, सही है फिर तो। ये क्वालिटी नहीं मिलेगी भैया कहीं पर, बाहर ना पैकेट वाली मिलती है, लाल लस्सी मिलती कहीं पर, लाल लस्सी। मैं बैंगलोर वगैरह रहा हूँ ना, बैंगलोर महाराष्ट्र में, अच्छा। वहाँ पैकेट वाले 10-10 रुपये का पैकेट आते हैं, तो वो से ही कम प्राइस में भी शॉपिंग हो जाती है यहाँ पर, अफोर्डेबल प्राइस है हर किसी के लिए। सूडियो बेबी सीधा जा रहा हूँ, डोमिनोज टाउन एरिया, ये अपना गेड़ी रूट है, यहाँ पर शाम को सारे तैयार शैर होकर के गेड़ी मारते हैं। गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा अब तक यमुनानगर के ऊपर जो मैंने बनाया? तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि यमुनानगर सिटी को हम ब्यूटीफुल कहते हैं, तो ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं, द ब्यूटीफुल सिटी यमुनानगर। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, क्योंकि इसका मैं सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली निकालने वाला हूँ, क्योंकि इतने से ब्लॉग में यमुनानगर सिटी छोटा है लेकिन इसमें कवर करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस आउट करी हैं, वो सारी मैं कवर करूँगा। तो लकीली
हनुमान जन्मोत्सव था, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड करा है। जो चिट्टा मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है एंड बहुत मान्यता है वहाँ की, तो यमुनानगर के लोगों को पता होगा, बाकी बार बार से भी लोग आते हैं, आप भी जा सकते हो वहाँ पर, विजिट कर सकते हो। मेरे घर से तो ये सारे डेस्टिनेशन जितने भी थे 2 किलोमीटर्स की रेंज में ही थे, तो जाओ विजिट करो। बाकी कुछ भी अगर सजेशंस हो कि वीडियो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, व्लॉग कैसे बेटर कर सकते हो, या कोई आप टॉपिक चाहते हो उसके ऊपर व्लॉग लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। एंड ब्लॉग कैसा लगा उसको बता सकते हो कमेंट में, कि कैसा लगा उसको प्रॉपर आप मेरे को कमेंट्स करो, तो उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी निकालता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।